सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी ब्लॉग्स को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश और स्वागत है आपका गुरुजी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास एक और मैकेनिकल कीबोर्ड है जेब्रोनिक्स की तरफ से। इससे पहले हमने जेब्रोनिक्स मैक्स प्लस मैकेनिकल कीबोर्ड का रिव्यू किया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और आज हमारे पास है जेब्रोनिक्स मैक्स प्लस का बेटर वर्जन जेब्रोनिक्स मैक्स प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं उसके अनबॉक्सिंग और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक इसके रिव्यू को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जेब्रोनिक्स मैक्स प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड की पैकेजिंग से। ये मैकेनिकल कीबोर्ड आता है एक बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ, एक सूटकेस जैसी पैकेजिंग के साथ। ये आप देख सकते हैं बॉक्स के सामने की तरफ आप देख सकते हैं कीबोर्ड की इमेज है और प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड मैक्स प्रो लिखा हुआ है। RGB LED लाइट के साथ आता है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके कुछ फीचर्स, ये RGB LED लाइट के साथ आता है। हैवी ड्यूटी है, 1.3 kg का है, अराउंड 19 LED मोड्स मिलते हैं इसमें, 18 प्री प्रोग्राम्ड है और 1 कस्टमाइज्ड है। 5 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस मिलते हैं, 6 LED स्पीड मोड्स हैं और इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज के साथ आता है ये। USB कनेक्टर है इसका, एन की रोलओवर इसमें यानी एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड है ये। ब्रेडेड केबल के साथ आता है और ये एक फुल कीबोर्ड है यानी इसमें 104 कीज़ हैं। और पीछे की तरफ आप इस पर देख सकते हैं इसके कुछ फीचर्स, फुल साइज़ मैकेनिकल कीबोर्ड है, एन की रोलओवर के साथ आता है, टैक्टाइल स्विच हैं इसके, RGB LED मोड्स हैं जो मैं बता चुका हूँ पहले ही, 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है और एक LED ऑफ मोड है, 6 LED स्पीड मोड्स हैं, मीडिया कंट्रोल इसमें की विंडोज़ की डिसेबल इनेबल का फंक्शन है, ब्रेडेड केबल है, इंटरफेस इसका USB है जैसा कि आप पहले जानते हैं, 55 ग्राम की प्रेशर के साथ आता है और इसकी की लाइफ स्पैन है 50 मिलियन। पोलिंग रेट है इसकी 1000 हर्ट्ज और केबल की लेंथ है 1.8 मीटर। और बॉक्स पे आप देख सकते हैं वेट लिखा हुआ 1.4 kg। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा कीबोर्ड। और पैकेजिंग के साथ इसमें मिलता है एक लेटर, इसमें इसके डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए इनको रखते हैं साइड में और कीबोर्ड के फीचर्स देखते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। और ये देखिए कीबोर्ड को निकालते हैं हमें दिख गई ब्रेडेड केबल और 2 स्ट्रिप्स के साथ आता है ये, केबल मैनेजमेंट के लिए बढ़िया रहता है। और इधर हमें मिल जाता है गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर यानी इसकी लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छे रहने वाला है। और ये हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक प्लास्टिक कवर, इसका भी रिमूव करते हैं। और ये रहा हमारा कीबोर्ड की फर्स्ट लुक। और ये काफ़ी हैवी कीबोर्ड है 1.2 kg का। इधर हमें जेब्रोनिक्स का लोगो देखने को मिल जाता है, उस पर इस कीबोर्ड का नाम लिखा हुआ है जेब्रोनिक्स मैक्स प्रो। और इसमें हमें सस्पेंडेड कीज़ देखने को मिलती हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कीज़ ऊपर की तरफ हैं। इस कीबोर्ड का बेस बना हुआ है मेटल का और ऊपर हार्ड प्लास्टिक है और आप देख रहे हैं मैं ज़ोर से दबा रहा हूँ और इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी। और ये कीबोर्ड काफ़ी स्टर्डी है। यहाँ पर 3 LED इंडिकेटर लाइट्स हैं, एक नंबर लॉक की, दूसरी कैप्स लॉक की और थर्ड विंडोज़ लॉक की। चलिए पीछे देखते हैं, यहाँ पर 2 रबड़ पैड्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसके अलावा हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं रिट्रैक्टेबल स्टैंड्स, इसमें भी रबड़ ग्रिप लगी हुई है एंड पर। तो यानी कि अगर आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस करते हैं या टाइपिंग करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए तो ये कीबोर्ड अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। चलिए अब कीबोर्ड को पावर देते हैं और इसके LED मोड्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से LED मोड्स दिखते हैं और उसके बाद मैं इसमें बात करूँगा इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो ये आप देख पा रहे होंगे फुली RGB कीबोर्ड है मैक्स प्लस, जो हमने पहले रिव्यू किया था वो फुली RGB कीबोर्ड नहीं था, उसमें हर एक लाइन में एक पर्टिकुलर कलर था, बट इसमें आप हर तरह के कलर्स देख सकते हैं हर एक रो में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके LED मोड्स की। LED मोड्स चेंज करने के लिए आपको FN की प्लस ये 6 कीज दबानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट वन है FN की प्लस इंसर्ट, और इन हर एक 6 कीज में 3 अलग अलग LED मोड्स है यानी कि 18 टोटल LED मोड्स हैं।
और एक मोड यहाँ पर है इसकी में, तो ये देख पा रहे होंगे कलर्स अपने आप चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट मोड में ये कुछ ब्रीदिंग टाइप है, एफ एन प्लस लीड है, ये चुक्की आप दबा रहे हैं सिर्फ वो लाइट अप हो रही है, और ये जो जिस रो में आप दबा रहे हैं वो रो लाइट अप हो रही है। ये एफ एन प्लस एंड की, एफ एन प्लस पेज अप वेव फॉर्म, ये एफ एन प्लस पेज अप में सेकंड, और ये पेज अप पे थर्ड, ये पेज डाउन पे फर्स्ट है, और यहाँ पर आप एफ एन प्लस राइट एरो की या लेफ्ट एरो की से कलर चेंज कर सकते हैं। और थर्ड वन ये है। अब आपको ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए एफ एन प्लस एरो अप दबाएंगे, तो ये अभी फुल ब्राइटनेस पर है, ये तीनों लाइट ब्लिंक कर रही हैं, तो इसका मतलब ये फुल ब्राइटनेस पर पहुंच गया है। ब्राइटनेस डाउन करने के लिए एरो डाउन, और ये एलईडी मोड्स ऑफ ही हो गई हैं। अब एफ एन प्लस एरो की राइट और लेफ्ट दबाएंगे तो जो वेव की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। एफ एन प्लस लेफ्ट दबाएंगे, ये देखिए एफ एन प्लस राइट एरो, अब जो कस्टमाइज्ड मोड है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये गेमिंग की जोन हो गई है, अब एफ एन प्लस ये वाली की दबा के रखेंगे तो ये तीनों कीज ब्लिंक करने लग जाएंगी। अब यहाँ पर आप जो जो कीज सेलेक्ट करेंगे वो लाइट अप होंगी। अब एफ एन प्लस यही बटन दोबारा दबाएंगे तो ये मोड अब सेलेक्ट हो गया है, अब ये कीबोर्ड की मेमोरी में सेव हो गया है। ये देखिए अब जो जो कीज हमने प्रेस की थी अब वो लाइट ऑफ हो रही है। तो ये गेमिंग के टाइम पे आप अपने गेम के हिसाब से इन बटन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एलईडी फंक्शन रह गया गाइस, एफ एन की प्लस माइनस की दबाएंगे आप तो ये जो वेव की जो स्पीड होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। ये देखिए अब स्लोएस्ट है, अब मैं इसको फास्ट करूँगा, अब ये फास्टेस्ट है। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज कॉन्स और रिव्यू की। तो गाइस ज़ेब्रोनिक्स को इसमें की कैप रिमूवर देना चाहिए था ताकि मैकेनिकल कीबोर्ड के रख रखाव में आसानी होती, हालांकि आप इसको रिमूव कर सकते हैं कीज़ को, ये आराम से फिर भी रिमूव हो जाती हैं। ये देखिए ये हमें ब्लू कीज़ मिलती हैं इसमें, जिनका एक्चुएशन फोर्स है 55 ग्राम, और इनको आप निकाल के दोबारा से आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके टाइपिंग की जो साउंड है वो टेस्ट कर लेते हैं कैसी है, आप सुन सकते हैं। इसकी सभी कीज़ की आवाज़ बढ़िया है, लेकिन मुझे स्पेस बार की जो साउंड है वो पसंद नहीं आई। और इसके साथ साथ इसमें मिलते हैं हमें मल्टीमीडिया कीज़, ये 12 मल्टीमीडिया कीज़ हैं इसमें, अब एफ एन प्लस इन फंक्शंस कीज़ के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
ये म्यूज़िक का है, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम इंक्रीज, म्यूट वगैरह वगैरह। तो गाइस इसके बैक साइड में केबल मैनेजमेंट के लिए जगह नहीं दी गई है, ये देख सकते हैं आप। इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए जगह होती तो काफ़ी अच्छा रहता। हालांकि जो स्ट्रिप्स दी गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जो अगला कौन मुझे लगा वो है कि इसमें मैक्रो कीज़ नहीं दी गई हैं। अगर इसमें मैक्रो कीज़ दी जाती तो काफ़ी अच्छा होता। और अगर हम अगले कौन की बात करें तो इसमें रिस्ट रेस्ट नहीं मिलता। हालांकि इस प्राइस रेंज में सिर्फ एक ही कीबोर्ड है, एक ही मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसमें रिस्ट रेस्ट मिलता है, वो है कॉस्मिक बाइट का CB GK03 और GK11। बाकी काफ़ी हाई प्रीमियम कीबोर्ड्स में भी रिस्ट रेस्ट आसानी से देखने को नहीं मिलता है। ये देख सकते हैं सस्पेंडेड कीज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा है कीबोर्ड RGB लाइट के साथ। और गाइस अगले कौन की बात करें तो इसमें जो फॉन्ट दिए गए हैं कीकैप्स पर वो मुझे काफ़ी अच्छा तो नहीं लगा, पर ठीक ठाक है, पर फॉन्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते थे। बट ऑन द होल जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसमें ये काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। ये ऑफलाइन मार्केट में आपको 3000 रुपीज़ मिल जाना चाहिए, और ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो ये 3300 के आसपास मिल जाएगा। और इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी परचेज़ करना तो आप उन लिंक्स के थ्रू जाकर परचेज़ कर सकते हैं इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगला जो प्रोज है इसमें वो है इसके डबल इंजेक्शन की कैप्स, यानी कि इसमें ABS प्लास्टिक देखने को मिलता है, और जो भी इस पर लेटर एम्बेड की गए हैं वो जल्दी से फेड नहीं होंगे। इसका अगला कौन है कि इसमें कोई भी ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता RGB लाइट को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप कलर एंथुजियास्ट हैं तो हो सकता है ये आपके लिए अच्छी बात ना हो, बट मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जो इसकी केबल मिलती है वो काफ़ी अच्छी मोटी है और नायलॉन ब्रेडेड केबल है, तो जल्दी से टेंगल भी नहीं होएगी और ख़राब भी नहीं होएगी और काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है। और ज़ेब्रोनिक्स ने अपने मैक्स प्लस और मैक्स प्रो में outemu के मैकेनिकल की स्विचेस यूज़ किए हैं, जो कि चेरी MX के काफ़ी हद तक रेप्लिका हैं। आपको इनके कीज़ में लगभग वही फील मिलेगी जो चेरी MX स्विचेस में मिलती है। और इन कीज़ की लाइफ स्पेन जो ज़ेब्रोनिक्स क्लेम करता है वो है 50 मिलियन टाइम्स। और LED इफ़ेक्ट आप पहले देख चुके हैं इसमें, पर की फुली RGB कलर्स मिलते हैं। सो गाइस 3000 के अराउंड के बजट में ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है मैकेनिकल कीबोर्ड्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।